आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। बारिश के पूर्व नगर निगम द्वारा खतरनाक मकानों को ढहाने की कार्रवाई की जाती है। इस बार यह कार्रवाई आज से शुरू हुई। नगर निगम द्वारा आज चिन्हित 3 मकानों को गिराने की कार्रवाई की गई। इस दौरान नगर निगम की जोन क्रमांक 2 राज मोहल्ला जोन के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 69 के अंतर्गत इतवारिया बाजार में मकान नंबर 50 को ढहाने की कार्यवाही के दौरान पास वाला मकान भी अत्यंत जर्जर स्थिति में दिखाई दिया, जिसे देखकर नगर निगम के अधिकारियों ने इस मकान को भी खतरनाक माना तथा रहवासियों को अपना सामान निकालने के लिए कहा गया, जिस पर यहां पर काफी बहसबाजी हुई। रहवासियों का सामान बाहर भी निकाल दिया गया, किंतु बाद में कतिपय कारणों से नगर निगम ने इन रहवासियों को फिर से सामान रखने की अनुमति देते हुए अति शीघ्र अन्यत्र शिफ्ट होने के लिए कहा। नगर निगम उपायुक्त महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि 2 दिन में रहवासियों का अन्यत्र शिफ्ट होने के लिए कहा गया है। आज हमने इतवारा बाज़ार में जो मकान को डिमोलिश किया था, क्योंकि वो ख़तरनाक मकान था, जब उसको हटाया तो वो उन्होंने स्वयं ने हटाया था, उन्होंने लिख करके दिया था और वो हटवा भी रहे थे, लेकिन जब हटाया तो पास वाले मकान जब है उसकी स्थिति ऐसी लगी कि वो भी शायद हल्का सा ख़तरनाक स्थिति में आ गया, और जब देखा तो वाकई ऐसा लगा था कि नहीं अब इसको हटवा देना चाहिए। लिहाजा जो वहाँ रहवासी थे उनसे बात करी, बात करने के बाद अब ये हुआ है कि उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है, लेकिन 2 दिनों में उन्होंने एक बात रखी है कि वो इस मकान में नहीं रहेंगे, इस मकान में ताला लगा रहेगा, 2 दिन में वो अपना कहीं मकान ढूंढ करके इस मकान का सामान भिजवा देंगे, लिहाजा ऊपर वरिष्ठ स्तर से 2 दिन का उनको समय दिया गया है और 2 दिन के बाद वो हम इस मकान को डिमोलिश कर देंगे। देखा जा रहा सामान भी वापस पूरा सामान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले ये था। हाँ सामान रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे भाई, जो सामान रखा था वो इसलिए रखा था कहीं और शिफ्ट करना है, लेकिन जब ऊपर से इनको 2 दिन का समय मिल गया है तो सामान हम वापस रख रहे हैं ताकि ये लोग अपनी लगेज ले आ सकें।